स्वागत है आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12 का गणित का चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशिएशन अवकलन, इसके बारे में देखेंगे कि डिफरेंशिएशन ये क्या होता है। तो जो डिफरेंशिएशन होता है ये दो राशि में परिवर्तन की दर को बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टू क्वांटिटीज को बताता है। सपोज यहाँ एक्स और वाई कोई दो वेरिएबल्स हैं, और एक्स में जो जो स्वच्छ परिवर्तन है इसमें इंक्रीजिंग ऑफ सम क्वांटिटीज है वो डेल एक्स है। इसी प्रकार वाई में भी स्वच्छ वृद्धि है यानी इंक्रीजिंग ऑफ सम क्वांटिटी जो इसमें है वो डेल वाई है। तो इसका रेट ऑफ चेंज का मैसेज को रिप्रेजेंट करेंगे डेल वाई अपान डेल एक्स, या इसका मैसेज भी कह सकते हैं डी वाई अपान डी एक्स, जहाँ जो y है y का x के सापेक्ष में परिवर्तन की दर है डेल y अपॉन डेल x। यदि यहाँ डेल x की वैल्यू तो जीरो की ओर इंक्रीज हो रही है तो डेल y की वैल्यू भी है जीरो की ओर इंक्रीज होगी। यदि f ऑफ x x का कोई कंटिन्यूस फंक्शन है यानी सतत फलन है फंक्शन है तब इसके हम इसके डिफरेंशिएशन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट एस टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, जहाँ एच जो होता है एक्स में स्वच्छ वृद्धि की दर स्वच्छ वृद्धि होती है यानी इंक्रीजिंग ऑफ सम क्वांटिटीज होती है। और हम इसमें कुछ फार्मूलों को देखेंगे, इसमें इसका एक फार्मूला है डी अपन डी एक्स एक्स पावर एन, इसका जो अवकलन होता है वो होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन। सेकंड इसका होता है डी अपन डी एक्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट सी यहाँ कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो हमेशा जीरो होता है। अगला इसका जो फार्मूला होता है डी अपान डी एक्स लॉग एक्स, इसका अवकलन होता है वन अपान एक्स। नेक्स्ट है इसका डी अपान डी एक्स ई पावर एक्स, इसका जो अवकलन होता है ई पावर एक्स होता है, फिफ्थ नंबर है डी अपान डी एक्स ए पावर एक्स, इसका अवकलन होता है ए पावर एक्स लॉग ई ए। नेक्स्ट है इसका डी अपान डी एक्स यू भी, इसका अवकलन होता है यू डी वी अपान डी एक्स प्लस भी डी यू अपान डी एक्स। नेक्स्ट है इसका फार्मूला डी अपान डी एक्स यू प्लस भी, यहाँ यू यू भी एक फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी डी यू अपान डी एक्स प्लस डी वी अपान डी एक्स। नेक्स्ट है इसका डी अपान डी एक्स यू अपान भी, इसका होगा भी का स्क्वायर भी डी यू अपान डी एक्स माइनस यू डी वी अपान डी एक्स। नेक्स्ट इसका जो फार्मूला है वो इसमें होता है ये, जैसे डी अपान डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है कॉस एक्स होता है। इसी प्रकार डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स होता है। नेक्स्ट है डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, इसका अवकलन होता है
sec square x नेक्स्ट है इसका d अपॉन डी एक्स sec x इसका जो अवकलन हो तो वो होता है sec x tan x नेक्स्ट है इसका d अपॉन डी एक्स cot x इसका कर्ण इसका जो अवकलन होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स नेक्स्ट है डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है इसका। ये मेन फार्मूले हैं जिनका हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करने में इसका यूज करेंगे। तो हम इसके बाद कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर एक है 7A का है, सिलवाल की बुक का है। वैसे ट्वेल्थ में तीन चार राइटरों की बुक चलती है, एनसीईआरटी की बुक चलती है, एनसीईआरटी का हो गया, सिलवाल का हो गया और तीसरा नवोदय का है। तो जो एनसीईआरटी काफ़ी अच्छा बुक होती है, इसमें मैटर कम होता है लेकिन इसमें मैटर काफ़ी सॉलिड रहता है, और सिलवाल में क्या होता है मैटर बहुत ज़्यादा रहता है, इसमें एक प्रैक्टिस काफ़ी अधिक हो जाती है। तो हम सिलवाल की बुक से क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। तो इसी का जो 9th नंबर क्वेश्चन है, इसमें ये फंक्शन दे दिया हुआ है रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, इसका हमको अवकलन ज्ञात करना है, इसका एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, यानी इसको हमको डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको वाई सपोज करेंगे, रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इजकल टू डी अपान डी एक्स रूट एक्स प्लस वन अपान रूट एक्स। तो हमको इसके लिए एक फार्मूला को याद रखना पड़ेगा, जैसे फार्मूला इसमें होता है ये डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो इसका जो अवकलन होता है वो होता है आप पास एक से पावर कम हो जाती है, जैसे हमने फार्मूला अभी बताया था डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, इसमें क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन, पहले एन यहाँ आएगा इसके बाद इससे पावर माइनस हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ जो हो जाएगा टू एक्स होगा, और एक्स का जो अवकलन होता है हमेशा वन होता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, तो इसका जो अवकलन होता है वो टू एक्स होता है। तो इसी प्रकार इसमें अप्लाई करेंगे हम, इसको हम चेन रूल भी कहते हैं, यानी किसी फलन के फलन का अवकलन करना। तो जब इसको करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास टू और रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स और रूट एक्स हम लिख सकते हैं एक्स की पावर वन बाई टू प्लस ये जैसे एक्स पावर वन बाई टू जिसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वन बाई टू हो जाएगा यहाँ पास, तो ये लिखेंगे इसको डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर माइनस वन बाई टू। अब इसके बाद देखते हैं इसको डी वाई अपान डी एक्स इजकल टू, ये हो जाएगा टू रूट एक्स प्लस वन अपान रूट एक्स,
इसका जो ओपन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पास 1/2, और जब इससे 1 माइनस करेंगे तो वैल्यू -1/2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये, इसको ऐसा लिखें ये माइनस होगा, और इसके बाद जो इसमें है ये हो जाएगा -1/2 एक्स की पावर -1/2 -1, इससे भी एक माइनस होगा। अब इसको लिखेंगे यहाँ 2, और इसको लिखा जा सकता है x+1/√x। यहाँ जब लिखेंगे इसको तो वैल्यू हो जाएगी 1/2, और ये हो जाएगी x की पावर -1/2, और यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी ये -3/2 यहाँ हो जाएगी। अभी नेक्स्ट में वो यहाँ पास 2x+1/√x, जब इसको नीचे लाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1/√x हो जाएगा, और यहाँ जब लाएंगे वैल्यू हो जाएगा x की पावर 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 2x+1/√x। यहाँ से हम इसको लिखेंगे 1/√x- इसको लिखा जा सकता है 1/x√s, ये जिसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1 है, तो जो 1/2 में 1 को प्लस करेंगे तो वैल्यू उसके में 3/2 आती है, तो हम इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। इसके बाद ये हो जाएगा dy/dx=2x+1/√x। यहाँ से क्या है, हम दो को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पे 2 ही आएगा, तो 2 को यहाँ से कैंसिल करें तो वैल्यू हो जाएगी अपने पास यहाँ 1/√x-1/x√x। अभी लिखेंगे x+1/√x, और इसको लिख सकते हैं हम x√x कैंसिल हो गया, x यहाँ बचेगा x- यहाँ से ये -1। मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो x+1 × x-1, इसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो होता है x²-1, और यहाँ जो होगा √x, ये पूरा इसका रूट हट जाएगा, x हो जाएगा, और x का जब x में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी x²। अब इसको लिखा जा सकते हैं 1-1/x², तो इस प्रकार से ये फंक्शन का ये अवकलन है dy/dx, इसको हम ऐसे ज्ञात करेंगे वैल्यू को। इसी में एक 80 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें log√x+1/√x, इसका हमको अवकलन ज्ञात करना है x के सापेक्ष में, तो यहां लिखेंगे y=log√x+1/√x, तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ गिवन फंक्शन बोथ साइड्स, तो ये वैल्यू यहाँ पास हो जाएगी dy/dx = d/dx log√x+1/√x। तो इसको यदि पूरा x मानेंगे तो ये log x हो जाएगा, और log x का जो अवकलन होता है 1/x होता है, यहाँ लिख सकते हैं 1/x में पूरी वैल्यू आ जाएगी √x+1/√x, फिर इसका भी अवकलन करेंगे तो d अपॉन
डी एक्स, इसको लिखा जा सकता है रूट एक्स को एक्स पावर वन बाई टू प्लस डी अपॉन डी एक्स, इसको लिखेंगे ये वन बाई टू, जब सुपर लाएंगे तो पावर माइनस वो वन बाई टू यहाँ वैल्यू हो जाएगी, लिख सकते हैं यहाँ पास एक्स की पावर माइनस वन बाई टू। नेक्स्ट इसका स्टेप है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, और इसको लिखा जा सकता है ये जब इसमें रूट एक्स इस रूट एक्स में गुणा होगा तो ये एक्स प्लस वन हो जाएगा, यानी इसका रूट में रूट हट जाएगी यहाँ पास, तो ये वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, और ये हो जाएगा वन बाई टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, और यहाँ हो जाएगी माइनस हो जाएगी वैल्यू माइनस वन बाई टू एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू, क्योंकि इसमें से वन भी माइनस होगा, ये हो जाएगा इसको जब इसको हम इसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाएंगे तो इसका आंसर कन्वर्ट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास रूट एक्स अपान एक्स प्लस वन, और ये वैल्यू हो जाएगी वन अपान टू, या इसको लिखें एक्स की पावर वन बाई टू, इसको लिख सकते हैं या रूट एक्स इसको लिख सकते हैं, और माइनस वन बाई टू एक्स रूट एक्स, यानी एक्स और थ्री बाई टू को हम एक्स रूट एक्स इसको लिख सकते हैं, तो चाहे तो उसके मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, चाहे हम इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, यही हमारे इसमें आंसर आ जाएगा। सी में क्वेश्चन नंबर एक हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का ये है, इसमें दिया हुआ है साइन टू एक्स का हमको डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे वाई इज इक्वल टू साइन टू एक्स, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर, ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इजकल टू डी अपान डी एक्स साइन टू एक्स, इसको पूरी वैल्यू पहले एक्स मानेंगे तो साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कॉस एक्स होता है, फिर टू एक्स का भी अवकलन करेंगे बाय चेन रूल द्वारा, तो यह हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा वैल्यू कॉस टू एक्स, फिर टू एक्स का भी अवकलन होगा, यानी ये हो जाएगी वैल्यू टू एक्स का टू ही होगा, तो टू कॉस टू एक्स इसका अवकलन आ जाएगा, इसी प्रकार हम टेन टू एक्स का भी कॉस टू एक्स हम किसी का भी हम अवकलन से ज्ञात कर सकते हैं इसी मेथड के द्वारा। इसमें नेक्स्ट नंबर है 22 का ए, इसमें दिया हुआ साइन एक्स क्यूब तो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ गिवेन फंक्शन बोथ साइड्स, तो यहाँ पास हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स साइन एक्स क्यूब, पहले इसको पूरा पहले एक्स ही मानेंगे तो कॉस एक्स इसका होगा पहले अवकलन, तो कॉस एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का भी अवकलन होगा तो वैल्यू हो जाएगी, यानी ये थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो थ्री एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब इसका अवकलन हो जाएगा।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का, ये 25 का e पावर साइन x, इसका हमको अवकलन याद करना, तो यहां लिखेंगे y इक्वल टू e की पावर साइन x दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर साइन एक्स। पहले तो यदि वैल्यू के डी एक्स माना जाए तो ई पावर एक्स का जो अवकलन होता है ई पावर एक्स होता है, यानी ई की पावर साइन एक्स, फिर इसका भी अवकलन हो गया यानी डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है कॉस एक्स होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं वैल्यू को कॉस एक्स ई की पावर साइन एक्स। इस प्रकार से हमको इसका अवकलन ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ इसमें 28 का ही नंबर है, साइन साइन एक्स, उस पूरी वैल्यू के पहले हम एक्स मानेंगे तो साइन एक्स का जो अवकलन होगा कॉस एक्स होगा, फिर इसका भी अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे वाई इक्वल टू साइन साइन एक्स, लिखेंगे ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स साइन साइन एक्स। इस पूरी बारी पर एक्स मानेंगे तो साइन एक्स का जो अवकलन होगा वो हो गया यहाँ पास कॉस एक्स, यानी कॉस साइन एक्स, इसके बाद साइन एक्स का भी अवकलन होगा इसमें तो कॉस एक्स हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स कॉस साइन एक्स, इसका अवकलन आ जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, यदि प्रैक्टिस करोगे दो तीन बार तो ये काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। इससे में हम क्वेश्चन देखेंगे 34 का ही नंबर है, 34 का ही नंबर इसमें दिया हुआ है रूट साइन एक्स, इसके लिए हमको कहा इसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा। सपोज ये d अपॉन डी एक्स और रूट एक्स, इसका जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो हम इसके द्वारा इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा वैल्यू y इक्वल टू रूट साइन एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, आप बोथ साइड ऑफ गिवन फंक्शन तो यहाँ लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ गिवन फंक्शन बोथ साइड्स की वैल्यू हो जाएगी डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स रूट साइन एक्स, तो उसका पहले हो जाएगा वैल्यू जिसमें फार्मूला बताया था 1 अपॉन 2 रूट साइन एक्स, फिर डी अपान डी एक्स साइन एक्स का भी अवकलन होगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू 1 अपॉन 2
रूट साइन एक्स और साइन एक्स के जो अवकलन होता है वो होता है कॉस एक्स होता है, तो इसको लिखा जा सकता है कॉस एक्स अपॉन टू रूट साइन एक्स इसी में। क्वेश्चन नंबर एक 36 का बी है, ये दिया हुआ इसमें e की पावर रूट एक्स, इसका हमको अवकलन याद करना है तो ये हो जाएगा y इक्वल टू e की पावर रूट एक्स, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, यानी x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो ये वैल्यू हो जाएगी dy वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स ई की पावर रूट एक्स। तो पहले ये हो जाएगा e की पावर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का भी अवकलन होगा तो इसको लिखेंगे, इसको मैं x की पावर 1/2 लिख सकते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी e की पावर रूट एक्स, और इसको लिख सकते हैं 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 या e की पावर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, इसका आंसर आ जाएगा। इसी का एक क्वेश्चन नंबर है 43 का ये नंबर, इसमें का जो ये नंबर इसमें दिया हुआ है कॉस रूट एक्स, रूट कॉस रूट एक्स दिया हुआ है, इसको हमको अवकलन याद करना है तो इसको लिखेंगे पहले हम y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा dy वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स रूट कॉस रूट एक्स। इसके पहले x मानेंगे तो x का जो अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स होता है, उसको लिख सकते हैं 1/2 रूट कॉस रूट एक्स, फिर इसका अवकलन करेंगे यानी हो जाएगा d अपॉन डी एक्स कॉस रूट एक्स, ये जाएगा 1/2 रूट कॉस रूट एक्स। तो यदि इसको x माना जाए तो cos x का जो अवकलन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो ये लिख सकते हैं यहाँ माइनस साइन रूट एक्स, फिर हमको रूट एक्स का भी अवकलन करना पड़ेगा तो ये हो जाएगी वैल्यू, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2, तो 1/2 और यहाँ माइनस उसका साइन लिखते हैं, ये हो जाएगा रूट कॉस रूट एक्स साइन एक्स, और इसका जो अवकलन होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। ये हो जाएगा यहाँ डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, चाहे तो यहाँ ये टू टू ये फोर हो जाएगी वैल्यू, ये फोर हो जाएगा, चाहे इसको लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स अपान फोर रूट एक्स रूट कॉस रूट एक्स, इसका अवकलन आ जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन नंबर 51 का सी है, इसमें दिया हुआ है ई पावर टू एक्स
ई की पावर माइनस टू एक्स अपान ई की पावर टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स, इसका हमको अवकलन ज्ञात करना। तो इसको देखते हैं यहाँ पास हम, तो इसके पहले वाई से सपोज करेंगे फंक्शन को, दिया हो जाएगा ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स अपान ई की पावर टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का इसके सापेक्ष में अवकलन करने पर, यानी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स अपॉन ई की पावर टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स। इसका हमने फार्मूला बताया था डी अपन डी वाई अपान डी एक्स यू अपान भी उसका, तो दो फलनों के भागफल का हम इसमें अवकलन का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, तो इसका पहले स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ई की पावर टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, इसके बाद ई की पावर टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स, इसके बाद सेकंड का अवकलन करेंगे डी अपान डी एक्स, सेकेंड दिया इसमें ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स। माइनस ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स डी अपॉन डी एक्स ई की पावर टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स। इसको आगे लगाएंगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी ई की पावर टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स, और जब इसका अवकलन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू ई की पावर 2x, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 ई की पावर माइनस 2x। इसके बाद इसकी जो वैल्यू है इसको देखेंगे ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, और इसका जो अवकलन होगा वो जाएगा 2 ई की पावर 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2 ई की पावर माइनस 2x ऑन हो जाएगा इसमें ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ चाहे तो यहाँ से हम 2 को कॉमन कर सकते हैं वैल्यू को, और यहाँ से भी 2 कॉमन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4 पूरी, यहाँ से पूरी वैल्यू ये जैसे यहाँ से 2 कॉमन हुआ यहाँ से 2, तो ये या फिर इसका ऐसा लिखते हैं 2 ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x माइनस 2 ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, और यहाँ हो जाएगा ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम ये लिख सकते हैं ई पावर 2x माइनस ई पावर 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम सेम संख्या है, तो इसको लिख सकते हैं 2, और सभी से हम 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है यहाँ पास ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर अपान हो जाएगा ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब ये जो फार्मूला अपने पास बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, जैसे दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इस प्रकार से इसको हम फॉर्म में लिखेंगे इसको यहाँ पर, तो इसको देखते हैं, इसको यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको लिखेंगे टू इंटू ए प्लस बी में लिखेंगे इसको e की पावर टू एक्स माइनस e की पावर माइनस टू एक्स, तो प्लस बी में पूरी राशि यहाँ पास होगा, तो e की पावर टू एक्स माइनस e की पावर माइनस टू एक्स और ए प्लस बी और ए माइनस बी में आ जाएगी पूरी वैल्यू यहाँ पास, e की पावर टू एक्स माइनस e की पावर माइनस टू एक्स और माइनस e की पावर टू एक्स और माइनस माइनस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगी यहाँ पास, तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस टू एक्स और यह हो जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब इसको देखेंगे यहाँ पास जो वैल्यू यहाँ पास ये जो है e पावर 2x, यहाँ कोई संख्या कैंसिल नहीं होगी, तो इसको लिखेंगे यहाँ पास हम 2 e की पावर 2x माइनस 2 e की पावर माइनस 2x और इसमें हो जाएगा e पावर 2x, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी वैल्यू ये, और यहाँ लिखेंगे इसको हम माइनस 2 e की पावर माइनस 2x में, यहाँ हमने इसमें गलत किया था, जो वैल्यू है a प्लस बी में हो जाएगा, ये भी प्लस में दिया हुआ है, ये प्लस में रहेगा, तो ये माइनस ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पास जो वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी यहाँ पास 2e की पावर 2x, यहाँ से जो हो जाएगा माइनस 2e की पावर माइनस 2x और बच्चे में यहाँ आ जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब इसमें से दो कॉमन कर दिए, चार हो जाएगा यहाँ पास, और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो एक यहाँ से कैंसिल होगा, ये हम जो वैल्यू आएगी यहाँ पास 4 अपॉन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, ये हो जाएगा इसका अवकलन हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि अवकलन क्या होता है और उस पर आधारित हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। यदि आपको कहीं दिक्कत आ रही, कहीं समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम इसके बाकी की वीडियो को क्वेश्चनों का अगले वीडियो में उसको बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।